तो एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें, दिसंबर खत्म होने वाला है लेकिन पहाड़ों में इस सीजन में अभी तक बर्फबारी नहीं हुई है। पिछले साल की बात करें तो दिसंबर में सीजन की दूसरी बर्फबारी हो गई थी। बर्फबारी के ना होने से विश्व प्रसिद्ध हिम क्रीड़ा केंद्र ओली में पहुंचने वाले पर्यटक मायूस भी नजर आए। तो ये तस्वीर हम आपको जोशीमठ की भी दिखा रहे हैं। सीजन में अभी तक बर्फबारी नहीं हुई है, ओली में बर्फ ना गिरने से सैलानी मायूस है। दिसंबर में अभी तक बर्फ नहीं गिरी है, ये जानकारी मिल रही है। इससे स्थानीय लोग जो है वो भी परेशान है, लेकिन इसके साथ जो सैलानी वहाँ घूमने आते हैं उनमें ज़्यादा मायूसी देखने को मिल रही है। इस सीजन में अभी तक बर्फबारी नहीं हुई है, ये जानकारी मिल रही है। हालांकि बर्फबारी के ना होने से विश्व प्रसिद्ध हिम क्रीड़ा केंद्र ओली में भी पहुंचने वाले जो पर्यटक हैं वो मायूस नजर आए। हालांकि देखिए, इस दिसंबर के समय जो भी सैलानी जो भी पर्यटक पहुंचते हैं उनकी इच्छा होती है कि वो बर्फ देखें, लेकिन बर्फबारी ना होने के चलते ये मायूस नजर आ रहे हैं। हाँ हाँ जी नमस्कार। तो मैं अभी ओली के हाईएस्ट पॉइंट 10 नंबर पे हूँ। तो जिस हिसाब से यहाँ पर अभी लास्ट ईयर बर्फ से पूरा ओली कवर था, उस हिसाब से देखा जाए तो इस साल स्नो थोड़ा लेट हो रही है और अभी भी इस मंथ तो फोरकास्ट से नहीं लग रहा है कि स्नोफॉल होगा। तो टूरिस्ट पे भी काफ़ी असर स्नोफॉल से हुआ है, क्योंकि ओली स्नोफॉल के लिए या बर्फ़ के एंजॉय के लिए जाना जाता है। तो हिसाब से जिस हिसाब से स्नो नहीं आए हैं तो थोड़ा टूरिस्ट पे भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है।